हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों से खीर, जो हमारे राइस दोपहर में बनते हैं और बच जाते हैं शाम को। तो मैंने सबसे पहले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम अच्छे से चावलों को भूनेंगे। चावलों को हमें थोड़ा भूनने से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, पके हुए चावल हैं। यदि आप कच्चे चावल से भी खीर बनाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा भून लें और फिर पकाएं। तो ये देखिए, ये चावल थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा हैं तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ, जैसे कि बच्चे घी और नमक और राइस मिला के खाते हैं ना, तो वो खा लेंगे। और मुझे जितने चावल खीर के लिए चाहिए बस उतने ही चावल मैं इसमें बचाऊँगी, क्योंकि मुझे डालना है अराउंड 1 लीटर दूध। तो इतने चावलों के लिए 1 लीटर दूध कम पड़ जाएगा, तो मैंने चावल एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इतने चावल बचा लिए हैं और इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। दूध गाय का दूध है। यदि आपके पास गाढ़ा किया हुआ दूध है या मिल्क मेड है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास खोबा की बर्फ़ी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास दूध ही था तो मैंने उसी को डाल दिया है और उसी को अच्छे से गाढ़ा करूँगी। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको गाढ़ा करना है दूध को। तो ये देखिए, इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक इसमें अच्छा रबड़ी वाला कलर ना आ जाए। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स केसर के धागे। केसर के धागे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। और जितने भी जो दूध के जैसे खीर है, आइसक्रीम है, इन सब में केसर अच्छा भी लगता है, अच्छे से कलर छोड़ता है। तो चलिए लेके आते हैं केसर और डालते हैं इसमें केसर। तो ये देखिए, मैंने केसर डाल दिया है और कलर भी अच्छा देगा और हेल्दी भी खीर बन जाएगी। इसके बाद जब थोड़ा सा केसर कलर आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप घी में भून के भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं। आप घी में भून के डालेंगे तो इन्हेंस टेस्ट इन्हेंस होके आता है, पर एज क्वांटिटी हमें घी कम खाना है तो हम लोग ऐसे ही डाल रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स इसमें। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे जिससे कि जो दूध है ना ड्राई फ्रूट्स में जब भर जाता है तो भी अच्छा लगता है खाने में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देना है फ्रेंड्स। तो चलिए शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर का ऐड करने का ना वीडियो में क्लिप मिस हो गई है, मतलब उस टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ रखने का रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, आप इसमें ऐड कर दीजिए शुगर। तो देखिए, ये मैंने शुगर निकाली है कटोरी में भर के और उसको डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी खीर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।